आज पश्चिमी मीडिया ने दावा किया है कि सीरिया के अंदर अमेरिका के बेसिस के ऊपर हमला होने के बाद अमेरिका ने आज मिडल ईस्ट के अंदर जहां जहां अमेरिका के बेस मौजूद हैं वहां पर अपनी ताकत को बढ़ा दिया है। वहां पर अमेरिका वालों ने जदीद एयर डिफेंस सिस्टम और फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। 23 मार्च को अमेरिका के जो सीरिया के अंदर बेसिस थी वहां पर ईरान के जो जंगजू थे उन्होंने ईरानी ड्रोन की मदद से अमेरिका की बेसिस के ऊपर हमला किया था। इतना ही नहीं, अमेरिका की बेसिस के ऊपर इन्हीं जंगजुओं ने फिर मिसाइल भी लगातार दागे थे। इस हमले में अमेरिका का एक कॉन्ट्रैक्टर हलाक और 12 फौजी जख्मी हुए थे, जिनका बदला लेने के लिए अमेरिका ने 24 मार्च को ईरान के जो जंगजू थे उनकी बेसिस के ऊपर भी हमला कर दिया था, जिसमें ईरान के 19 जंगजू हलाक हुए थे। पश्चिमी मीडिया ने दावा यह भी किया था कि अमेरिका की इस एयर स्ट्राइक के बाद ईरान वाले बहुत ज्यादा अमेरिका के खिलाफ भड़क उठे थे और ईरान वालों ने बाइडन को और भी बड़े हमले की धमकी दे डाली थी। यही वजह है कि पश्चिमी मीडिया ने आज दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान की धमकियों और इनके जंगजुओं से निपटने के लिए मिडल ईस्ट के पानियों के अंदर एक जहाजों का बेड़ा पूरा उतार दिया है, ताकि ईरान या ईरान के जंगजुओं की तरफ से अमेरिका के ऊपर अब कोई हमला होता है तो अमेरिका वाले इन्हीं फाइटर जेटों की मदद से ईरान के जंगजुओं और ईरान की ऐसी कमर तोड़े कि ईरान वाले फिर कभी उठने के काबिल ना रहें। इनके ऊपर अमेरिका ऐसा जोरदार हमला करे जिसकी वजह से ईरान के जंगजुओं के परखच्चे उड़ा सकें। इससे पहले अमेरिका वाले सीरिया के अंदर अपने F-15 फाइटर जेट भी बेसिस के ऊपर तैनात कर चुका है, जो बेहद खतरनाक मिसाइलों और बमों से लैस हैं। अमेरिका के F-15 फाइटर जेट इतनी तेजी से हमला करते हैं कि दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं देते। मतलब ये कुछ भी समझने से पहले F-15 दुश्मनों के ऊपर काली जरब लगा देते हैं, और यही वजह है कि अमेरिका ने ईरान को सबक सिखाने के लिए अब सीरिया के अंदर F-15 को मोर्चों के ऊपर तैनात कर दिया है। और अब अमेरिका ने मिडल ईस्ट के पानियों के अंदर एक पूरा वारशिप जंगी जहाजों का तैनात कर दिया है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि जिस दिन से ईरान और अमेरिका ने एक दूसरे के ऊपर सीरिया के अंदर हमले किए थे, उसी दिन से अमेरिका और ईरान वालों के दरमियान जंग छिड़ चुकी थी। इतना ही नहीं, ईरान वाले सीरिया के अंदर मौजूद जो अमेरिका के बेसिस हैं वहां पर मिसाइल हमलों की धमकी भी दे चुका है। यही वजह है कि अब सीरिया के अंदर अमेरिका और ईरान का जो टकराव है उनके खतरात बढ़ते हुए जा रहे हैं। इसीलिए अमेरिका ने ईरान के जो जंगजू हैं और ईरान से निपटने के लिए मिडल ईस्ट के पानियों के अंदर अपने फौजी और अपने फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं, ताकि कोई भी बड़ा हमला होने की सूरत में इन्हीं फाइटर जेटों की मदद से ईरान के ऊपर हमला किया जा सके और ईरान को तबाह किया जा सके। जहां अमेरिका वालों ने अपने F-15 सीरिया के अंदर तैनात किए हैं, वहीं ये भी खबर निकल कर आ रही है कि अब सीरिया के अंदर अमेरिका अपने खतरनाक 810 की पूरी यूनिट सीरिया के बेसिस के ऊपर तैनात करने वाला है। मतलब ये कि अब सीरिया के अंदर ईरान के जंगजुओं और ईरान से निपटने के लिए अमेरिका ने पूरी तरह से तैयारी मुकम्मल कर ली है।